दिस वीक इट्स क्रेजी। ऐसा लग रहा था कि बारिश की बूंदें मेरे लिए लोरी गा रहे थे। मन ही नहीं था यार अपने बेड से उठने का। पहले थोड़े दिन ऐसे ही गुजर चुके थे, खाते पीते सोते, टीवी फोन चलाते और मोर मोर चाय। पहले थोड़े दिन अच्छा ही लग रहा था, लेकिन दिन गुजरते गुजरते आई स्टार्टेड फीलिंग टायर्ड। आई लॉस्ट माई फोकस एंड स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग थिंग्स। भूख नहीं लग रही थी मगर दिन चाय के बिना गुजरती ही नहीं थी। पता है मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ। आई स्टार्टेड लुकिंग फैट एंड अगली। आई स्टार्टेड अवॉइडिंग पीपल। You know, nowadays I'm not being myself. ये मैं नहीं हूँ। This has to be changed. Today, it's going to be changed. Keeping your mind calm and relaxed is a big challenge. For a certain period, मुझे ऐसा लग रहा था कि I have anxiety, I'm depressed. फिर when I realized कि मुझे ऐसा feel हो रहा है, then the first thing what I did is I just came out from my house. इतना बढ़िया मौसम था, I started to feel the fresh air and the rainbow, एकदम perfect one. Oh my God! लोग कहते हैं कि बस आप नेचर में जाओ, आपका मूड खुद अपने आप चेंज हो जाएगा। किसी ने बिल्कुल सही कहा। इस नेचर की ब्यूटी से इतना प्रभावित हो चुकी हूँ कि I literally started enjoying the small things. इन पेड़ों की छाया और the fresh air. चिरपिंग बर्ड्स की आवाज, वाटर फ्लो और द नेचुरल ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स। मैं इतना पीसफुल फील कर रही थी कि आई स्टार्टेड टू सी थिंग्स इन डिफरेंट एंगल्स एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि आई एम लिविंग इन द मोमेंट। Let's go. Does that work? I think so. उसके अगले दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा लाइफ का रीसेट हो गया। आई स्टार्टेड टू फोकस ऑन थिंग्स एंड कॉन्सेंट्रेट माई हैबिट्स। आई फील प्रोडक्टिव।
happy. After that, I never stopped going out. मैं हर दिन एक ही रास्ते से गुजरती हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ अलग, नया, ब्यूटीफुल दिखता ही है. This happens when your mind is calm and relaxed. It's my kind of inspiration. आप अपना ढूंढो.